सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। आज हम बात करने वाले हैं 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में जो फोन आते हैं, मतलब सेगमेंट बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता है, क्योंकि जो लोग 5 से 10,000 रुपए के बीच में फोन खरीदना चाहते हैं, बहुत सारी उम्मीद हो जाती है उस फोन से उनको, क्योंकि वो गेम भी अच्छी खेलना चाहते हैं, मतलब पबजी भी उसके अंदर चल जाए, बैटरी बैकअप भी जबरदस्त उनको चाहिए, कैमरा परफॉर्मेंस भी उनको दमदार चाहिए, फोन का लुक भी उनके लिए स्टाइलिश होना बहुत जरूरी है, और उस पर अगर वो आ जाए अंडर 10,000 तो क्या कहने। और इसी तरीके के फोन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। काफी मुश्किल था और काफी टफ फाइट भी थी उनमें से काफी अच्छे फोन चूज करके लाना दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मैंने किया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो सभी फोन जो आप 10,000 से नीचे नीचे ले सकते हैं और आपको सेटिस्फाई करेंगे फॉर श्योर 100%। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन द चैनल विद द वाई फैक्टर। सबसे पहला फोन जो मैं लेके आ रहा हूँ वो 7,500 रुपए की रेंज में है। थोड़ा सा पहले इससे सस्ता मिलता था, लेकिन अब जो है वो 7,500 रुपए का हो चुका है। इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करी है पिछले कुछ महीनों के अंदर ही। रियलमी C1 की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 450 के प्रोसेसर के साथ आपको ये मिलता है। 2 GB की अंदर आपको रैम मिलेगी और 16 GB की अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। 7,500 रुपए के अंदर आपको फुल नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको मिलेगा, साथ में मिलेगा आपको 13 MP प्लस 2 MP का रियर कैमरा, तो फोटोग्राफी आपकी अच्छी हो जाएगी। 5 MP का सेल्फी कैमरा इसके अंदर आपको मिलने वाला है, साथ ही मिलेगी 4320 mAh की दमदार बैटरी दोस्तों। 1.8 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, ट्रिपल स्लॉट आपको मिलेगा। तो 16 GB की मेमोरी पे आप थोड़ा सा निराश मत होइएगा, क्योंकि 2 SIM लगाने के बाद भी अलग से आप 256 GB तक अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ये फोन आपको काफी अच्छे रिच फील देने वाला है, क्योंकि मिरर लुक इसके अंदर आपको मिलेगा। अगर मैं इस फोन के ड्रॉबैक की बात करूं तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है। बाकी 7,500 रुपए में ब्रांड भी काफी अच्छा है और फोन की लुक काफी अच्छी है इसके अंदर, और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। तो 7,500 रुपए अगर आपका बजट है तो रियलमी C1 आप फोन ले सकते हैं। लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज ये आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों। दूसरे अगर फोन की बात करूं तो वो है रेडमी का 6। ये आपको 8,499 रुपए का मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 3 GB और 32 GB वाले वेरियंट की, जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको 5.45 इंच की HD+ स्क्रीन मिलेगी, साथ ही आपको मिलेगा 12 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा और 5 MP का ही फ्रंट कैमरा। 3000 mAh की अंदर आपको बैटरी मिलेगी और 2.0 GHz की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला हीडियो का P22 का आपको प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों। इसके अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगर प्रिंट स्कैनर जो है दोनों ही मिलने वाले हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि MI का फोन जो है वो इस रेंज के अंदर 3000 mAh की बैटरी के साथ मिलना, थोड़ा सा बैटरी जो है मैं मानता हूँ इसके अंदर आपको कम मिल रही है। और ये मेरा फर्ज बनता है दोस्तों आपको बताना, जिस भी चाहे वो रियलमी C1 हो या फिर आपका रेडमी का फोन हो, अगर जो अच्छी चीजें होंगी वो भी आपको मैं बता देता हूँ, और जो चीजें ठीक नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3000 mAh की बैटरी मुझे लगता है इसके अंदर कुछ कम है, पूरा दिन निकालना शायद इतना आसान नहीं होगा उन लोगों के लिए जो फोन को थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। और अगर मैं आपको Redmi 6 के बारे में बता रहा हूँ और आपका बजट थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब 1500 रुपए अगर आप बढ़ा सकते हैं, तो 9,999 रुपए में आप जा सकते हैं Redmi Y2 के लिए, और ये डेफिनेटली उससे कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए होगा अगर आपके पास 1500 रुपए एक्स्ट्रा है ज्यादा खर्च करने के लिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 GB और 32 GB वाले वेरिएंट के बारे में ही। इसके अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर, जो कि 2.0 GHz 2 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। 16 MP का इसके अंदर आपको AI का सेल्फी कैमरा मिलेगा, काफी अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, साथ ही मिलेगा आपको फेस अनलॉक का फीचर। ड्यूल रियर कैमरा इसके अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर 12 MP प्लस 5 MP का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर मिल जाएगा, तो आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, फेस अनलॉक भी और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। ड्यूल नैनो सिम लगाने के बाद भी आप अलग से माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 3000 के आसपास की mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 3080 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोनों ही फोन के अंदर ड्रॉबैक जो है वो 3000 mAh की बैटरी का होना है। रेस्ट फोन दोनों अच्छे हैं और खासकर Y2 जो है वो फोन काफी अच्छा है। अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो दोस्तों इससे अगले अगर फोन की बात करूं तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है, और वो भी क्यों ना, इतनी कमाल धमाल जो कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने डाल दी है 10,000 के अंदर अंदर। जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं है Asus का Zenfone Max M2। मैं बात कर रहा हूं 9,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में, थोड़ा मिलता कम है
अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू आता है, लेकिन अगर आपको ये फोन मिल जाता है तो बिल्कुल लपक के आप इसको ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन आज की तारीख में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। स्नैपड्रैगन के 632 मतलब ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, उसके ऊपर ये चलता है। 3 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 32 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, इसको आप बढ़ा सकते हैं 2 TB तक। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 TB तक बढ़ा सकते हैं ये बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स बोल देंगे, लेकिन 2 TB की जो एक्सटर्नल आपको माइक्रो SD स्लॉट जो आपको कार्ड लगाने को मिलेगा ना, वो इतना महंगा मिलेगा कि इस फोन से भी ज्यादा महंगा है। बट चलो हाइप बनाने के लिए 2 TB बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं कि 32 GB 64 GB का स्टोरेज भी कोई लगाएगा इसके अंदर एक्स्ट्रा। फिर भी बढ़ाना चाहे तो 2 TB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। 6.26 इंचेस का आपको HD+ का डिस्प्ले मिलता है और वो नॉच वाला कमाल का डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाएगा। 4000 mAh की आपको दमदार बैटरी मिलेगी जो बड़े आराम से आपका एक दिन निकाल देगी, और इसके स्पीकर्स जो हैं बड़े कमाल के स्पीकर्स हैं, तो अगर आपको गाना म्यूजिक वगैरह का शौक है तो डेफिनेटली आपको एंटरटेन कर पाएंगे। ट्रिपल स्लॉट का आप इसमें सपोर्ट में लगा, यानी कि 2 SIM लगाने के बाद भी अलग से आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो बहुत ही कमाल का ये फोन है और लुक वाइज भी काफी अच्छा लगता है। नॉच वाला डिस्प्ले है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, दमदार कैमरा है और बहुत ही बेहतरीन बैटरी लाइफ है। कम से कम इस फोन के बारे में मेरे पास कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, तो बिल्कुल अगर आपको ये फोन मिल रहा है तो इंस्टेंटली इसको ले लीजिएगा। अगर आपका 10,000 रुपए का बजट है, ये वन ऑफ द बेस्ट फोन अवेलेबल है आज की तारीख में 10,000 की रेंज के अंदर। और हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों अगले अगर मैं फोन की बात करूं तो वो है इन्फिनिक्स का नोट 5। मैंने इस फोन को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये कंपनी काफी टाइम से बहुत मेहनत कर रही है और काफी अच्छे फोन्स लेके आ रही है, और डेफिनेटली ये फोन का इस लिस्ट में होना बनता था क्योंकि 9,000 रुपए की रेंज के अंदर जो कॉन्फिगरेशन उन्होंने दी है, जिस तरीके का लुक्स ये इस फोन में दे पा रहे हैं, वो इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो इन्फिनिक्स का नोट 5 8,999 रुपए के अंदर 3 GB और 32 GB के स्टोरेज के साथ आता है, 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज अंदर आपको मिलती है। साथ में आपको मिलता है 5.99 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, हीलियो का P23 का आपको प्रोसेसर मिलेगा जो कि AI को सपोर्ट करता है, 12 MP का आपको रियर कैमरा मिलता है जबकि सेल्फी के लिए कमाल का आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड का आपको 8.1 ओरियो का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, 3 स्लॉट जी हाँ 2 आप सिम कार्ड लगा सकते हैं, इसके अलावा आप मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हैं। साथ ही ग्लॉसी सी इसके अंदर काफी फिनिश आती है, काफी अच्छा लुक इसके अंदर बन के आता है। तो अगर आपका बजट 9,000 रुपए का है और आप एक अच्छा दमदार फोन लेना चाहते हैं तो ये भी एक पूरी फुल स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलता है 9,000 रुपए के बजट के अंदर। इसके अलावा लेनोवो का K9 और फोन है जो लगभग इसी कॉन्फ़िगरेशन में आता है, 8,999 रुपए के ही प्राइस टैग पे आता है, लेकिन उसमें हीलियो का P22 का प्रोसेसर मिलता है, उसमें आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा USP है ड्यूल कैमरा का होना, मतलब फ्रंट में और रियर में दोनों में ही आपको ड्यूल कैमरा का सपोर्ट मिलेगा जो कि 13 MP प्लस 5 MP का रियर में और फ्रंट में भी 13 MP प्लस 5 MP का होता है। 5.7 इंच की आपको फुल HD स्क्रीन मिलेगी और 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो ये दोनों फोन जो है 8,999 रुपए के अंदर आपको मिलते हैं। इन दोनों फोन पे अगर आपका 9,000 रुपए का बजट है तो आप जा सकते हैं। लेनोवो का ब्रांड भी काफी अच्छा है, फोन काफी दमदार होते हैं इसके भी। तो दोस्तों ये थे वो फोन जो मुझे लगता है कि 7,500 से 10,000 रुपए के बीच में अगर आपका बजट है तो आप इनके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा Asus का Zenfone Max Pro M1 जो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर आता है, नोच नहीं आता है, लेकिन कमाल का फोन है वो भी अगर आपका 9,999 रुपए का बजट है, या फिर Realme का 2 जो कि 9,500 रुपए के आसपास में आएगा लेकिन डायमंड कट की उसमें काफी अच्छी लुक आती है, उस फोन के लिए भी आप जा सकते हैं। ये थे लगभग वो सारे फोन जो 7,500 से 10,000 रुपए के बीच के आपको रेंज में मिल जाएंगे, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि कौन से फोन में क्या आपको थोड़ा बहुत कॉन्स भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।